वाली क्लास में हमने क्या क्या किया था? हमने किया सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके टाइप्स, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन, फिर उसमें जो जब भी अब हम करेंगे आगे तो हम एमोर्फस को डिस्कस नहीं करेंगे, हम अब फर्दर डिस्कस करेंगे सिर्फ क्रिस्टल। सो दैट इज व्हाई हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स, राइट। अब अगर आप क्रिस्टल लैटिस देखो तो क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थ्री डायमेंशंस में किस तरह से अरेंज्ड है। ओके, हमने क्रिस्टल्स में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज्ड है एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में इन थ्री डायमेंशंस, उसको हम क्रिस्टल लैटिस बुलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक पूरा घर ले रहे हैं, ठीक है, उस घर को हम लोग क्या बुलाएंगे? क्रिस्टल लैटिस, राइट। क्योंकि उस घर में क्या है, आगे देयर आर रूम्स और वो हर एक रूम को हम क्या बुलाएंगे? यूनिट्स, ठीक। जैसे मैंने ये ब्लॉक लाया हुआ है आज आपके लिए, तो आप इसमें देख रहे हो कि छोटे छोटे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ठीक है। सो इफ दिस इज वन कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस, ओके, और इसके बीच में अगर आपको ये देखो ये ऑरेंज नजर आ रहा है, राइट। सो ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है ये इसके डायमेंशंस आपको अलग से नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका एक यूनिट सेल हो गया, राइट। तो अगर ये पूरा क्रिस्टल लैटिस है तो आप ये उसका एक फेस देख रहे हो, तो इसमें कितने यूनिट सेल्स आपको नजर आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नाइन यूनिट सेल्स हमको इस साइड नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो हम इसके बेसिस पे हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस द बिगर पार्ट व्हिच इज द अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन थ्री डायमेंशंस, ओके। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन थ्री डायमेंशंस, इसे हम क्या बुलाते हैं? क्रिस्टल लैटिस। ये आपको डेफिनेशंस आ सकती हैं। और यूनिट सेल क्या हुआ? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, जो कि पूरे क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो यूनिट सेल क्या हुआ? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग, जैसे यहां पे हम देख रहे हैं तो ये आप देख रहे हो कि सारे क्यूब्स हैं। अगर हम एक यूनिट सेल को स्टडी करते हैं तो वो यूनिट सेल इस पूरे क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करता है। इस एक यूनिट सेल के बेसिस पे हम पूरे क्रिस्टल की शेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये रिपीटिंग क्यों है? क्योंकि एक यहां रिपीट हुआ, फिर सेम डायमेंशंस यहां रिपीट हो रही है, सेम डायमेंशंस यहां रिपीट हो रही है, ठीक है। अब जब भी हम क्रिस्टल लैटिस देखते हैं तो लेट्स टेक अ बिगर ब्लॉक इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्रिस्टल लैटिस में क्या क्या चीजें हमने देखनी है? ये जो जहां पे एन लिखा हुआ है इसको हम फेस बुलाते हैं, दिस इज द फेस ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो एक फेस ये हो गया, एक फेस ऊपर हो गया, एक ये हो गया। तो अगर आप काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6 सिक्स फेसेस हो गए। सिक्स के सिक्स जो फेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइन हो रहे हैं, ठीक है। सो ये जो पॉइंट ऑफ जॉइनिंग ये है, ये जो लाइन ऑफ जॉइनिंग है इसको हम एज बुलाते हैं, ठीक है। सो ये जो हुआ ये क्या हुआ? दिस इज द एज। सो लेट्स से कि ये एक जो हमने उसमें यूनिट सेल देखा, एक उस यूनिट सेल को हम बड़ा कर रहे हैं, ओके।
अब ये जो यूनिट सेल हुआ, इस यूनिट सेल में फेस हो गया, इस यूनिट सेल में एज हो गए, इस यूनिट सेल में कॉर्नर्स हो गए, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फेसेस पे प्रेजेंट रह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एजेस पे प्रेजेंट रह सकते हैं, और अगर आप इस साइड से देखो तो दिस इज द सेंटर ऑफ द बॉडी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेंटर ऑफ द बॉडी पे भी प्रेजेंट रह सकते हैं। बेस्ड अपॉन कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट है, हम यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं या हम इसको क्लासिफाई करते हैं। सो यूनिट सेल इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपल यूनिट सेल भी बुलाते हैं। सिंपल यूनिट सेल्स का मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल ओनली बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, ठीक है। सो वी आर सेइंग दैट इन दिस केस सिंपल, लेट्स ड्रॉ फिगर ऑल्सो, इफ दिस इज आवर फिगर, सो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर प्रेजेंट एट all the corners, ठीक है। So this is what a simple या primitive unit cell is. Second type of unit cell जो होता है उसे हम centered unit cell बुलाते हैं, centered unit cell, ठीक है। जो centered unit cell होता है that is of the following types, इसमें जो first होगा उसे हम face centered unit cell बुलाएंगे, face centered, right? अब face centered में क्या है, they are present at all the corners and at the center of each face. Center of each face का मतलब हुआ कि अगर हम यहां से diagonal draw कर रहे हैं तो ये इक्विडिस्टेंट होना चाहिए दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, मतलब जो यहां से यहां का डिस्टेंस है और जो यहां से यहां का डिस्टेंस है दैट शुड बी सेम, ठीक है। सो दैट इज व्हाट अ फेस सेंटर इज। इसमें एक और चीज आपने याद रखनी है कि जब हम लोग सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल कर रहे हैं तो हर एक यूनिट सेल एक सॉरी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहा है, ओके। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी शेप्स डिफरेंट हो, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सारे स्फेरिकल है और सबकी साइज सेम है, ओके। सो अगर ये और ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सो अगर हम थोड़ा सा बड़ा इसको बनाए, let's say this is the center and this, तो अगर एक ही line हम represent कर रहे हैं, ये वाली line हम represent कर रहे हैं, तो ये constituent particle इसको touch कर रहा है, okay? पर जब हम centered में आते हैं, जैसे मैंने आपको face centered में बताया कि they are present at all the corners plus they are present at the center of each face, तो तब corners touch नहीं करते, तब सिर्फ जो फेस सेंटर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा और जो कॉर्नर वाला होगा वो टच करेगा, इज इट क्लियर। फिर उसके बाद फेस सेंटर समझ में आ गया, राइट। सेकेंड जो हमारे पास है दैट इज नोन एज बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे All are going to be present at the corners. Corners में हर एक में present रहता है. And one is present at the center of the body. ठीक है? So body center में क्या हुआ? All are present at the corners plus one is present at the center of the body. Then the next one is end center. Okay. अब end center कौन से होंगे? जिसपे टू ऑपोजिट फेजेस में प्रेजेंट रहते हैं,
दे आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स प्लस एनी टू ऑपोजिट फेसेस. जैसे फॉर एग्जांपल आप इस रूम को ले लो, इस रूम को हम यूनिट सेल बोल देते हैं. ठीक है, अगर हम लोग बोल रहे हैं इट इज अ सिंपल, तो इसका मतलब जितने भी यहाँ पे कॉर्नर्स हमें नजर आ रहे हैं उन सब में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है. ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं फेस सेंटर, तो सारे कॉर्नर्स में प्लस एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, तो इस वाली वॉल पे भी होगा, इस बोर्ड पे भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एक यहाँ है, एक फ्लोर पे है, एक आपके पीछे और एक सीलिंग पे. ठीक है, सो दैट इज फेस सेंटर. बॉडी सेंटर का मतलब दे आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स प्लस एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, राइट. और एंड सेंटर ऑल द कॉर्नर्स टू ऑपोजिट फेसेस. ठीक है, सो सिर्फ दो ऑपोजिट, एंड का मतलब होता है वेयर द यूनिट सेल इज एंडिंग, सो सिर्फ दो ऑपोजिट फेसेस पे वो प्रेजेंट रहते हैं. ओके, अब इन एक्चुअल हम लोग देखें कि एक यूनिट सेल में इन एक्चुअल कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग विजुलाइज करते हैं. तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ते हैं. ठीक है, सो अब हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ईच यूनिट सेल, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है उसे हम स्टडी करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से आपको वन मार्क का क्वेश्चन आता है. ठीक है, सो वी आर गोइंग बैक टू द प्रिमिटिव टाइप. प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमने क्या बोला कि दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. वापस हम ये क्यूब देख रहे हैं. ठीक है, हमने इसमें ये रेड वाला जो यूनिट सेल है इसको कंसिडर करा. ठीक है, अब इसके कॉर्नर्स देखो, कॉर्नर्स इसके पास 1, 2, 3, 4 हमें इस साइड नजर आ रहे हैं ना सिर्फ, तो एक फोर कॉर्नर्स को ये वाला कॉर्नर इसके साथ भी शेयर कर रहा है अपने आप को. ठीक है, सिमिलरली ये वाला कॉर्नर इसके साथ शेयर कर रहा है, ये वाला कॉर्नर इसके साथ शेयर कर रहा है, ये वाला कॉर्नर इसके साथ शेयर कर रहा है. साइमल्टेनियसली ये वाला कॉर्नर अपने आप को इसके साथ भी शेयर कर रहा है. सो इन टोटल अपने आप को ये कितनों के साथ शेयर कर रहा है, 8 के साथ. हर एक जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर 8 के साथ शेयर कर रहा है, तो हर एक कॉर्नर भी आपको सिर्फ फ्रंट पोर्शन नजर आ रहा है ना, तो इसके पीछे वाले के साथ भी 3 dimensions में शेयर करेगा. तो हम बोलते हैं कि एक कॉर्नर जो है वो अपने आप को 8 और कॉर्नर्स के साथ शेयर कर रहा है. तो अगर 8 के साथ शेयर कर रहा है तो इन एक्चुअल एक कॉर्नर पे कितना प्रेजेंट है, ओनली 1/8. सो इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी हो गई, 1/8. उसी तरह इसकी भी 1/8. तो जितने भी प्रेजेंट है उन सब की कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 1/8 है, राइट. सो 1/8 हो गई इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन. इन टोटल कितने प्रेजेंट है, 8. सो इनटू 8 तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हुए, 1. सो अगर कोई भी क्रिस्टल लैटिस है या यूनिट सेल है जिसमें कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो एक यूनिट सेल में सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, सेकेंड हमारे पास आ गया फेस सेंटर. ओके, सो फेस सेंटर में हमारे पास they are present at all the corners plus at the center of each face. So 1 face, 2 face, 3 face, इसमें हमको सिर्फ 4 ही faces नजर आ रहे, otherwise there are 6 faces. ठीक है, so if you are taking, say we are taking this wall. अब ये वाली wall half हमें इस side नजर आ रही है और ये half दूसरे room में नजर आ रही है, मतलब ये वॉल अपने आप को 2 यूनिट सेल्स के साथ शेयर कर रही है. तो अगर हम इसकी सेंटर में
बॉल प्लेस करेंगे तो वो बॉल हमें आधा आपकी तरफ को नजर आएगा और आधा दूसरे रूम में नजर आएगा, तो कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई फिर? हाफ हाफ। एक यूनिट सेल में सिर्फ हाफ ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, सो हमारे पास आ गया हाफ इंटू, ठीक है, एंड टोटल नंबर आर सिक्स इंटू सिक्स। और कॉर्नर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन भी हमको देखनी है, तो फेस सेंटर में टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हैं? फोर। पर अगर क्वेश्चन आए कि ए इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड बी इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेसेस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? अगर ए कॉर्नर्स में प्रेजेंट है तो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन तो ए की होगी ना, ठीक है, एंड बी इज प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्स तो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन थ्री हो गई, तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ए बी थ्री। वन मार्क का क्वेश्चन ऐसा हमको आता है, एमसीक्यू में आ सकता है या वन मार्क वाले क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद थर्ड जो हमारे पास आता है दैट इज बॉडी सेंटर। राइट, अब बॉडी सेंटर पे क्या है? वी हैव ऑल प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ठीक है, एंड वन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। One is present at the center of the body. अब जो corners वाले थे उसकी contribution 1/8 × 8 that is equal to 1, और जो center of the body पे present है वो अपने आप को किसी के साथ भी share नहीं करेगा ना, ठीक है, so उसकी total contribution present है which is equal to 1, so total number कितने हो गए? 2। अब question अगर हमें आया कि अ क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी, ए इज प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एंड बी इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी ए बी, ठीक है, कॉर्नर्स पे कॉन्ट्रीब्यूशन हो गई ए और सेंटर पे कॉन्ट्रीब्यूशन हो गई बी, सो द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी ए बी बी। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, फिर जो फोर्थ टाइप आता है दैट इज एंड सेंटर्ड। End centered. अब end centered में हम क्या बोल रहे हैं कि they are present at all the corners ठीक है, and plus any two opposite faces ठीक, so contribution अब क्या आ जाएगी? 1/8 × 8 that is equal to 1, ठीक है, और जो ये वाले हैं उसकी contribution 1/2, total कितने हैं? 2, ठीक है, so अगर question हमें आ जाता है again he is present, A is present at the corners and B is present at the end centers, then what is the formula? AB. ठीक, this is the kind of questions जो कि इसमें आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है parameters of a unit cell. What are parameters of a unit cell? Parameters का मतलब होता है measurable properties, जिनको हम measure कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम दो यूनिट सेल्स को अलग अलग शेप में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे किसी एक के पैरामीटर्स अलग हैं और दूसरे के पैरामीटर्स अलग हैं, तो दोनों जो यूनिट सेल्स हैं उनकी शेप्स अलग आएंगी, ठीक है, सो पैरामीटर्स हम डिफाइन करते हैं एज पैरामीटर्स
measurable properties of a unit cell. किसी भी एक unit cell को हम दो parameters से define करते हैं. One which is known as the edge length. As I have already told you, कि जहाँ पे दो phases join हो रहे हैं, उसको हम edges बुलाते हैं. Okay, so जहाँ पे भी दो phases join हो रहे हैं, उसको हम edge बुलाएंगे. Let's say this edge length is A, this edge length is B, and this edge length is C. Right? जो angles इन edge lengths के बीच में बन रहे हैं, उनको हम क्या बुलाएंगे? Unit cell angles. Unit cell angles. So the angle between A and B, that is gamma. The angle between B and C is alpha. And the angle between A and C is beta. ये angles आपने इसी तरह से draw कर ले. A और B के बीच में gamma, B और C के बीच में alpha, और C और A के बीच में beta. ठीक है? Depending upon this, कि क्या angles का measurement है और क्या edge lengths का measurement है, हम define करते हैं 7 we are defining 7 crystal systems. Okay, 7 crystal systems को आप कैसे याद करोगे? C, T, O, M, H, R, T. C, T, O, M, H, R, T. ठीक है? First crystal system C is cubic. Okay, second is tetragonal, third is orthorhombic, fifth is monoclinic, hexagonal, rhombic, या rhombohedral, and triclinic. ठीक है? So अब देखते हैं कैसे सबकी edge lengths different है और angles भी different है. जब हम cubic में जाते हैं, तो cubic में हम बोल रहे हैं कि all the edge lengths are same. A is equal to B is equal to C. ठीक है, because it's a cube, cube square से बनता है, square के सारे sides same होते हैं, तो A is equal to B is equal to C. और सारे angles भी equal, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. तो जो हमने examples भी देखे थे यहाँ पे, उसपे भी हम लोगों ने cube ही लिया था. We are assuming कि जो सारे उसके sides हैं, that is same. Then we go to tetragonal. Tetragonal में A is equal to B, but it is not equal to C. Only two sides are equal. ठीक है? पर angle सारे 90 degree हैं. Alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. ठीक है? फिर जब हम orthorhombic में जाते हैं, तो orthorhombic में तीनों sides unequal हैं. A is not equal to B, not equal to C. But angles are all 90. ठीक है? So alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90. ठीक है? Clear हो गया? फिर आ गया monoclinic. Monoclinic में all the sides are unequal. A is not equal to B is not equal to C. Two angles are equal. Alpha is equal to beta is equal to 90 and gamma is not equal to 90. Okay? So alpha is equal to beta 90 but gamma that is
नॉट इक्वल टू 90, राइट। फिर उसके बाद आ गया हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में दो सेम है, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। उसी तरह से दो एंगल्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 बट गामा जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 90, आप लिख सकते हो गामा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। यहाँ पे स्पेसिफाइड किया गया है एंगल। रोम्बोहेड्रल जो है उसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट दे आर नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। और ट्राइक्लिनिक जो है उसमें ना तो कोई एज लेंथ सेम है, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ठीक है। अब जब हम इसको देख रहे हैं तो क्यूबिक सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें तीनों साइड्स भी इक्वल हो गए और तीनों एंगल्स भी इक्वल हो गए, तो क्यूबिक इज द मोस्ट सिमेट्रिक। और जो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक है दैट इज ट्राइग्लिनिक। और सबसे जो कॉमन भी हम लोग देखेंगे, बहुत सारे जो है हम क्यूबिक ही पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स अगर आप लिखना चाहो तो जैसे हम क्यूबिक में सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं दैट ऑफ रॉक सॉल्ट NaCl, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसमें ले लो जिंक ब्लेंड ZnS, ZnS को हम लोग जिंक ब्लेंड बनाते हैं, ठीक है। फिर टेट्रागोनल के एग्जाम्पल्स है SnO2 एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर ऑर्थोरोम्बिक के एग्जाम्पल्स है KNO3, KNO3 को हम लोग बुलाते हैं इंडियन सॉल्ट पेटर, ठीक है, एंड लेड कार्बोनेट। दीज आर एग्जाम्पल्स। फिर मोनोक्लिनिक के एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर एंड ग्लोबल सॉल्ट, मोनोक्लिनिक सल्फर ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला है Na2SO4.10H2O, दिस इज ये वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, दिस इज ग्लोबल सॉल्ट, ठीक है। फिर हेक्सागोनल का एग्जाम्पल जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज ग्रेफाइट, एंड अनदर एग्जाम्पल विच यू कैन टेक इज जिंक ऑक्साइड, हेक्सागोनल का एग्जाम्पल, ठीक है। फिर रोम्बोहेड्रल का एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, ठीक है। और ट्राइक्लिनिक का जो सबसे अनसिमेट्रिकल है उसका एग्जाम्पल है ब्लू विट्रल, जिसको आप कॉपर सल्फेट बुलाते हो 0.5H2O, दिस इज ब्लू विट्रल। सो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब जब हम लोग क्रिस्टल सिस्टम्स करते हैं तो इट इज नॉट ऑलवेज यू कैन से कि ऐसा नहीं होता है कि हर एक क्रिस्टल सिस्टम जो है वो बहुत सिंपल सा हो। जैसे सिंपल प्रिमिटिव यूनिट्स है हमने किया, उसमें हमने बोला कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दे आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स, पर ऐसा नहीं होता, ओके। हर एक क्रिस्टल सिस्टम जो है चाहे वो क्यूबिक है चाहे वो टेट्रागोनल है, उसको हम फर्दर लिंक कर सकते हैं विद द टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। जैसे क्यूबिक अगर हम ले तो क्यूबिक सिंपल क्यूबिक भी हो सकता है जिसमें A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma, ठीक है, and all the constituent particles colors में present है, that is simple cubic। और जो cubic है वो face centered cubic भी होता है, FCC जिसको हम बुलाते हैं, face centered cubic means they are present at all the corners and the center of each face, ठीक है। और जो cubic है वो body centered भी हो सकता है, कि they are present at all the corners and they are present at the center of the body, ठीक है। Depending upon that, एक scientist था जिसका नाम था Bravias। Bravias ने क्या किया, ये जो seven crystal systems थे उनको
फर्दर क्लासिफाई करा कि वो किस किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, और उसने एक नया सिस्टम दे दिया व्हिच वाज नोन एज द ब्रेवियस 14 लैटिसेस. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर द 14 लैटिसेस. ओके, सो वी गो टू Brevius 14 lattices, right? So दोबारा से हम लिख रहे हैं CTO MHRT, ठीक है, cubic tetragonal orthorhombic monoclinic hexagonal rhombohedral and triclinic. ठीक है, so आपका जो सबसे simple type of crystal है वो कौन सा है? Primitive. और simple चीजें सबको पसंद है, तो इसलिए जितने भी ये सारे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, इनमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल जरूर होता है. ठीक है, सो इसके पास भी आ गया प्रिमिटिव. ऑल हैव प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल. फिर उसके बाद बॉडी सेंटर जो है वो 3 के पास प्रेजेंट है. बॉडी सेंटर इज प्रेजेंट विद क्यूबिक, it is present with tetragonal and it is present with orthorhombic. ठीक है, फिर फेस सेंटर 2 के पास प्रेजेंट है. वन इज क्यूबिक एंड द अदर वन इज orthorhombic. ठीक है, और फिर उसके बाद एंड सेंटर 2 के पास प्रेजेंट है. वन इज ऑर्थोरोम्बिक एंड द अदर वन इज मोनोक्लिनिक. ठीक है, इट इज प्रेजेंट विद ओनली 2. क्लियर हो गया है यहां पे? ठीक है, सो अब यहां पे अगर आप देखो तो हमारे पास प्रिमिटिव इज प्रेजेंट विद ऑल, बॉडी सेंटर्ड इज प्रेजेंट विद 3, क्यूबिक टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड विद 2 एंड एंड सेंटर्ड आल्सो विद 2. सो इफ यू काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. सो देयर आर 14 क्रिस्टल सिस्टम्स. ठीक है,